अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? आप सबको जिहाद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और ये चांद आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, और इसके लिए हमें चीज़ें दरकार हैं। वो हमें उसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज, 3 बड़े आलू, और अगर आपके पास बड़े टमाटर हों तो 2 बड़े टमाटर ले लें। मेरे पास 4, 5 से 6 छोटे टमाटर हैं। 1/2 कप तेल, 2 टेबल स्पून हमने वो धनिया पाउडर लिया है, 1/2 गड्डी हमने धनिया की ली है, हसबैंड जायका हमने नमक लिया है, 2 टेबल स्पून हमने लहसुन पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून हमने अदरक पेस्ट लिया है, 4 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है साबित, और 7 से 8 हमने लौंगे लिए हैं, 1 हमने बड़ी इलायची ली है, 1 से 2 दालचीनी के पीस जाएंगे, अभी मेरे पास नहीं है, और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और आधी रली प्याज या 1 छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज हम भगार के ले लेंगे। सबसे प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर लेंगे। हम प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हम बनाना। मैं सिर्फ देख लेंगे आपको, ये साथ हो किचन में, इसलिए हम सब मिलकर काम कर लेते हैं। भाई हम लोगों के साथ बहुत मसला हो जाता है, हम बस हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए अम्मी को ही खाना पड़ता है बात करें। है अम्मी क्यों? हमारी अम्मी ना बहुत शर्माती हैं, इसलिए ना इसलिए अम्मी की बहू भी बोलेगी, अम्मी नहीं बोलेंगी। हमारे घर में ना हमारी मेरी देवरानी है, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरे साथ एक छोटी है। आप भी सलाम करो। प्लीज आप लोग हमारी वीडियो देख कर लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और आगे लोगों में शेयर करें, ताकि हम भी आगे जाएं, ताकि हमें भी लोग फॉलो करें आगे। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करके इसमें देखिए में तेल डाला है, 1 कप एक प्याला हमने तेल डाला है। इसमें हमने जो प्याज ब्राउन करने के लिए काटी थी वो डाल दी है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, चार टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और हल्दी धनिया नमक। उसको भुनने के लिए रखते हैं, अच्छे से मसाला भुन जाए ताकि उसका ऑयल अलग नज़र आए, तो उसके बाद उसमें गोश्त निकाल डाल देंगे। ठीक है, ये हमने लिया है चाप का गोश्त, 3 पाव के करीब है ये, और ये आलूओं के हमने इस तरह से पीसेस कर दिए। मसाला भून चुका है, इसका तेल अलग नज़र आ रहा है, देखो मसाला है उसमें। अब अम्मी गोश्त डाली है इसके अंदर, भून के गोश्त मसाला अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे, ताकि आलू गल जाए। गोश्त को हमने कुकर में बॉईल कर लिया था। अच्छी तरह से साथ
डालेंगे फिर इसको भूनेंगे अच्छे से। दो गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू इसमें। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। और गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। इसके साथ हमने चावल बनाए हैं और रोटियां। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।